मधुबाला, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बता दें आपको, बॉलीवुड इंडस्ट्री से निकल करके बड़ी खबरें सामने आ रही है, यानी कि हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की, जिनकी तलाक की बात लगातार सामने आ रही थी। लेकिन बातों ही बातों में कहते हैं कि बड़ी बात हो जाती है, यानी कि बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि ऐश्वर्या राय ने जो बातों का खुलासा किया है अभिषेक बच्चन को लेकर के, क्या कुछ बातें हैं आज आपके बीच जरूर साझा करेंगे, एक एक करके सारी जानकारी आपको देंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने हस्ती, सेलिब्रिटी और कहा जाए तो सबसे काफिले नाम वाले अमिताभ बच्चन के बेटे यानी कि अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय की तलाक की खबरें ताबड़तोड़ सामने आ रही है। लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अभिषेक बच्चन काफी नाखुश चल रहे हैं, बिग बॉस काफी नाखुश चल रहे हैं। उनके बेटे अभिषेक बच्चन और जिस तरह से ऐश्वर्या राय को वो प्यार लुटाते थे, ये किसी से छिपा नहीं है। आए दिन सोशल मीडिया पे जिस तरह से अमिताभ बच्चन अपनी बहू और बेटे की तारीफें करते नजर आ रहे थे, आखिर क्या हो गया ऐसा कि अब दोनों अलग होने को मजबूर हो गए, क्या कहना चाहेंगे मधुबाला? जी हाँ, जिस तरीके से ऐश्वर्या राय बच्चन जो अलग अलग दिख रही है, यानी कि अपने फैमिली के साथ नहीं दिख रही है, और यहाँ तक कि लोग देखिए, पहले लोग ये सोच रहे थे, यहाँ तक कि लोगों तक तो बात जाने में, फिल्मी दुनिया की बात जाने में टाइम नहीं लगती है। जी बिल्कुल, सारे लोगों को ये बात पता चल गया था कि कुछ तो खटास चल रहा है, कुछ तो अनबन चल रहा है। लेकिन हाँ, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी होती है, अनंत अंबानी की शादी में सारे लोग शामिल होते हैं, उसी बीच ये बड़ा खुलासा हो जाता है, यानी कि जो बात सच था वो सच साबित भी हो जाता है, क्योंकि ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी के साथ अलग खड़ी रहती हैं, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, श्वेता बच्चन, जो अमिताभ बच्चन की बेटी है, जया बच्चन की बेटी है, एक साइड वो लोग रहते हैं, एक साइड ऐश्वर्या राय रहती है, और सारा मामला वहां पे सामने आता है, सारे लोगों को ये अच्छे से पता चल जाता है कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि जिस तरह से अभी मधुबाला ने कहा कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में ये नजारा सभी के बीच देखने को मिल गया था, किस तरह से जब अमिताभ बच्चन पूरे परिवार सहित गाड़ी से उतरते हैं, वहीं ऐश्वर्या अपनी बेटी, प्यारी बेटी आराध्या के साथ अकेले नजर आती है। हालांकि दोनों बेटी और माँ कॉम्बिनेशन ड्रेसिंग सेम करती है, वहीं पिताजी से बेटी को भी दूर किया जा रहा है। ऐसे कई सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ऐश्वर्या सिर्फ अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ नजर आती है, वहीं आराध्या अपनी माँ की हूबहू लग रही है। हालांकि आराध्या और कहा जाए ऐश्वर्या राय की हाइट भी काफी मैच होती है, लेकिन इतनी बड़ी बेटी होने के बावजूद भी अपने पिता से अलग कैसे रह रही है, और ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के अलग होने का मेन मुद्दा क्या है, ये अभी किसी के समक्ष नहीं आया है। लेकिन जो तस्वीरें ताबड़तोड़ नजर आ रही है सोशल मीडिया पे, ऐश्वर्या अलग दिख रही है, अभिषेक अलग दिख रहे हैं, मामले ये भी तक सामने आ रहे हैं, ऐश्वर्या जो है वो सलमान से करीबी दोस्ती बढ़ाने लगी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की जो तलाक की बातें, जो खबरें निकल करके सामने आ रही थी, इसमें सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। वो खुलासा ये हुआ है कि जो श्वेता बच्चन है, जो अमिताभ बच्चन की बेटी है, जया बच्चन की बेटी है, उनका अहम रोल हो जाता है ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के बीच में लड़ाई लगवाने की। यानी कि एक यूजर्स ने ये भी लिखा था कि अच्छा ननद का रोल अदा कर रही है श्वेता सिंह, क्योंकि देखिए जिस तरीके से श्वेता का नाम सामने आ रहा है, यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन को श्वेता नहीं पसंद करती है, लगातार मामले निकल करके सामने आ रहे हैं, और इसी बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है, यानी कि जया बच्चन का, ऐश्वर्या राय बच्चन और जया बच्चन में अनबने चलती हैं, दोनों को पटरी नहीं बैठता, जो कहा जाता है सरल भाषा में कि दोनों का अनबन है शुरू से ही, यानी कि जया बच्चन है जो काफी स्ट्रिक्ट मानी जाती है, यानी कि अमिताभ बच्चन भी जया बच्चन से डरते हैं और अभिषेक बच्चन भी जया बच्चन से डरते हैं, बेटा होकर के भी मां से डर रहे हैं, यानी कि शादी के बाद डर रहे हैं, ये सबसे अहम मुद्दा निकल करके सामने आया है। और यहां तक कि एक और आपको बात बता दें,
ऐश्वर्या राय बच्चन को श्वेता नहीं पसंद करती है। इसके पीछे का वजह भी है क्योंकि ऐश्वर्या राय बच्चन काफी फेमस एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, फेमस एक्ट्रेस हैं। और एक्ट्रेस होने के बाद जिस तरीके से सुर्खियों में ऐश्वर्या राय बच्चन नाम खिला हुआ है, हर जगह ऐश्वर्या राय फेमस होती नजर आ रही है, आज से नहीं अपने जमाने से। यानी कि ऐश्वर्या राय सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस मानी जाती है। और इसी बीच एक इंटरव्यू में श्वेता से जब बातचीत किया गया था कि ऐश्वर्या राय बच्चन है, क्या लगता है कैसी है वो अच्छी है या उनके भाई अभिषेक बच्चन, तो श्वेता साफ तौर पर कहती है कि ऐश्वर्या राय तो उतनी अच्छी है नहीं, अभिषेक बच्चन सबसे अच्छे, यानी कि अपने भाई का जमकर तारीफ करती है। और इसी बीच एक और सवाल जब पूछा जाता है अभिषेक बच्चन से कि आप बीवी से डरते हैं, बीवी को मानते हैं या फिर माँ को, तो उस पर भी उनकी बहन का ही आता है सामने बात। उनका साफ तौर पर कहना अपनी माँ को मानता है, अपनी माँ का बात मानता है, अपनी माँ से डरता है। देखिए इस तरीके का जो बातें निकल करके सामने आ रहा है ये साफ दर्शा रहा है कि इसमें हाथ घर वाले का ही है, लेकिन अमिताभ बच्चन हाथ पे हाथ धरे हुए हैं। आखिर अमिताभ बच्चन क्यों नहीं एक्शन लेते हैं, घर के सबसे बड़े सदस्य हैं, बेटा बहू का घर बर्बाद हो रहा है, बेटा बहू में अनबने चल रही है, तो इसमें पूरा हाथ अमिताभ बच्चन का जाना चाहिए। एक और चीज आपको बता देते हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन न्यूयॉर्क गई हुई थी, अपनी दोस्त के साथ फोटो साझा करती हैं, बेटी के साथ साझा करती है, और आज वो लौट चुकी हैं बिहार। आपको बता दें हाँ, तो ऐश्वर्या राय लौट चुकी हैं, अपनी बेटी के साथ लौटी हैं और कई लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए भी बेचैन हैं। और यहां तक ऐश्वर्या राय बच्चन काफी मुस्कुराते हुए नजर आ रही हैं अपनी बेटी के साथ, क्या कहना चाहिएगा प्रिया? देखिए यानी मामला साफ है कि भाभी और ननद के झगड़े में जिस तरह से अब विवाद इतना पहुंच चुका है कि तलाक के मामले सामने आने लगे हैं, वही रहा बात अमिताभ बच्चन की, यानी बड़े बुजुर्ग यानी फैमिली के, वो जिस तरह से सपोर्टिव है, उन्हें फैसला लेना चाहिए, उन्हें कदम उठाना चाहिए। हालांकि अमिताभ बच्चन भी चुपी साध रहे, वहीं अपनी कहा जाए तो आराध्या को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं बच्चन परिवार, लेकिन आराध्या भी इसमें फंसी नजर आ रही है क्योंकि अपने पिताजी से उन्हें अलग होना पड़ रहा है, अपने दादा अपनी दादी से अलग होना पड़ रहा है। वहीं आराध्या बच्चन अब बड़ी हो गई है, वहीं पूरा बर्डन ऐश्वर्या राय खुद पर ले ली है। जिस तरह से आराध्या का रहन सहन है, यानी इससे साफ जाहिर होता है कि ऐश्वर्या अपनी तरह आराध्या को भी बनाना चाहती है। जिस तरह से आराध्या बच्चन का गेटिंग लुक सामने आता है निखर के, यानी पापा राजी भी आए दिन आराध्या से जिस तरह से बातें करते हैं और आराध्या भी रिस्पॉन्स करते नजर आ रही है, यानी अपनी माँ की पूरी कहा जाए तो हूबहू शक्ल लेने लगी है। वही बात हो जाती है अभिषेक बच्चन की, तो आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन काफी दूरी बना के रह रहे हैं, चाहे कोई इवेंट हो या फिर किसी शादी में वो ऐश्वर्या बच्चन को देखना तक नहीं चाह रहे। जिस तरह ऐश्वर्या अपनी बेटी के साथ पहुंचते तो अभिषेक अपना चेहरा घुमाते नजर आ रहे हैं। वही बात की जाए ऐश्वर्या की ननद की, तो वो काफी लड़ाकू विमान की तरह अपने चेहरे बनाए रह रही है। मधुबाला मैं जिक्र कर रही हूँ अनंत अंबानी की शादी की तस्वीरें, जिस तरह से जब ऐश्वर्या उनके बीच आती है तो किस तरह से दोनों, और रहा बात जया बच्चन भी डगमगा जाती है अपने जगह से, यानी साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरह से ननद सास और भौजाई की जो झगड़े हैं ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में किस तरह से चल रहा है और ये बहुत बड़ा विवाद बना हुआ है। लेकिन फायदा किसको होगा, सलमान खान भी अब ऐसा अंदाजा लगा रहे कि कहीं ऐश्वर्या उनके पास तो नहीं लौट जाएगी, लेकिन ऐश्वर्या का इस पर कोई अभी खुलासा नहीं हुआ है। प्रिया इस बीच में आपको एक बात बता देते हैं कि सलमान खान का जहां तक ये अफवाह है, सलमान खान के पास ऐश्वर्या राय बच्चन कभी नहीं जाने वाली है, बिल्कुल उनका शादी टूट जाए कुछ भी हो जाए। लेकिन बड़ी बात ये हो जाती है कि जिस तरीके से ऐश्वर्या राय बच्चन इन दिनों काफी अलग अलग दिख रही है, जिसमें पूरा गलती उनके परिवार से ही निकल करके सामने आ रहा है, यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन अपने जगह से मगाने वाली नहीं है, वो काफी अच्छी हैं, काफी अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन अभी जो रिश्ते में जो खटास आए हैं वो कहीं ना कहीं अभिषेक बच्चन पे जाता है। और हालांकि जिस तरह से वो अपनी बेटी आराध्या का परवरिश कर रही है, यानी उनमें एक अच्छी माँ की झलक देखने को मिल रहा है। आए दिन वो जब मीडिया के सामने जाती है तो उनकी बेटी जिस तरह से ऐश्वर्या संस्कार दी है हाथ जोड़ना, उनकी बेटी भी उस संस्कार को फॉलो कर रही है। वही बात आ जाती है अमिताभ और अभिषेक बच्चन की, तो आजकल अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन जिस तरह से मीडिया कर्मियों के समक्ष आते हैं, उनका चेहरे की जो झलक है वो दिखने को मिल रही है कि किस तरह से वो अभी नकारात्मक सोच के अंदर घिरे हुए हैं, यानी परिवारिक विवाद में उनकी जो चेहरे की बनावटी है पूरी तरह से झलका रही है। वही ऐश्वर्या के चेहरे पे जो चमक खुशी है, यानी कहीं ना कहीं शादी से वो अपने नाखुश थी तभी अलग होने के बाद इस तरह से वो मुस्कुराते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, क्या कुछ
मामला निकल करके सामने आएगा, कहां तक ये बातें जाती है ऐश्वर्या और अभिषेक की बातें कहां तक जाती है, क्या कुछ आगे फैसला होता है, क्या तलाक होता है नहीं होता है, क्या कुछ मामला होगा, अगले वीडियो में आप लोगों के साथ जरूर साझा करूंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, धन्यवाद।